हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप लोगों का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं पानी पूरी से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। सो दोस्तों, इस बार मैं लेके आया हूं पानी पूरी की एक ऐसी रेसिपी जिसे आज तक मैं आप लोगों से नहीं बताया था। और साथ ही दोस्तों, ये भी जानेंगे कि ठंड के मौसम में इजीली पूरी कैसे बनाएं। दोस्तों, इससे पहले जितनी वीडियो मैं अपलोड किया उसमें कुछ ना कुछ गलती रह गई थी और मैं कुछ ना कुछ चीज़ों को हाइड कर दिया था, बट इसमें जो है मैं सारी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा और सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही दोस्तों, मैं ये भी आपको बताऊंगा कि मशीन को आप कैसे आसानी से सेट कर सकते हैं और फिर कारखाने जैसे पूरी बना सकते हैं। धोई, बेसन, मैदा, सोडा और पापड़ साल्ट कितना डालेंगे, किस क्वांटिटी में डालेंगे, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। और यदि इसके अतिरिक्त कोई भी संदेह रह गया हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही में इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये रही चावल की भूसी। वीडियो के हर एक सेक्शन में मैंने आपको यही बताया है कि ये है चावल की भूसी, बट एक्चुअली में ये चावल की नहीं है, गेहूं की भूसी है। दोस्तों, वीडियो के हर एक सेक्शन में हम ये बात बता चुके हैं कि आप कितने रवे में कितना मटेरियल डालेंगे। मटेरियल बोले तो धोई, बेसन, सोडा, मैदा, पापड़ साल्ट और भूसी। ये जानने के लिए कि हम रवा में कितना मटेरियल डालते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक को क्लिक कीजिए और वीडियो को देख लीजिए। लेकिन इस टाइम चल रहा है ठंड का मौसम और ठंड के मौसम में मटेरियल की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ाकर ही रखते हैं। सो दोस्तों, ये रहा अपना पापड़ साल्ट। और आप जानते हैं कि पापड़ साल्ट को ठंड के मौसम में किस हिसाब से डालते हैं और कितना डालते हैं। सो दोस्तों, एक बात बोलते हैं ना कि जैसे नमक बिना दाल की वैसे पूरी बिना पापड़ साल्ट की। सो दोस्तों, आप जान गए होंगे कि पापड़ साल्ट कितना इम्पोर्टेंट है पूरी के लिए। इसीलिए यदि गर्म के मौसम में आप 1 kg डालते हैं तो ठंड के मौसम में 350 ग्राम डालेंगे। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना, आप 1 क्विंटल का माल लगा रहे हो तब के लिए ये क्वांटिटी है। सो दोस्तों, ये रहा अपना 100 किलो रवा। इसमें सारा मटेरियल मिक्स हो चुका है, अब ये रेडी है गूथने के लिए। और यदि आप मिक्सिंग का प्रोसेस नहीं जानते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को देख लीजिए। सो दोस्तों, अब बारी आ गई है गूथने की। बट दोस्तों, आज तक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है कि इसमें पानी हम कितना डालें। मैं दोस्तों अपनी बात बता दे रहा हूँ कि मैं टोटल 1 क्विंटल के मटेरियल में 35 लीटर से 36 लीटर तक पानी डालता हूँ। सो आई होप दोस्तों कि आपके सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आटा को गूथना स्टार्ट करते हैं। अब हमारा आटा गूथने का प्रोसेस पूरा होने वाला है। अब इसे हम मशीन से बाहर निकालेंगे, लोई बना करके इसे मशीन में फिर लेटेंगे। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारी लोई अभी तैयार हो चुकी है और एक कपड़ा भिगो करके सारी लोई को एक साथ ढक देंगे ताकि हवा न लगे। हवा लगेगी तो ये लोई सारी खराब हो जाएगी। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो का कोई भी पार्ट मिस न कीजिएगा। ये सब सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद अब बारी आती है हमारी लोई को बेलने की। और ये है वो 4 बेलन की मशीन जिसमें हम अपनी लोई को बेलेंगे। और आपको हम दिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। और इसी को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं और यहीं से अपनी पूरी को खराब कर देते हैं। सो दोस्तों, यदि आप ठंड के मौसम में पूरी बना रहे हैं तो आपको निम्न बातों का ध्यान देना होगा। जैसे कि लोई यदि बहुत बारीक हो जाए तो भी दिक्कत है और बहुत जाड़ी हो जाए तो भी दिक्कत है। तो इस कंडीशन में क्या करें? क्योंकि यदि लोई को आप बहुत बारीक कर देते हैं तो पापड़ी आएगी और यदि जाड़ी कर देते हैं तो पूरी ढंग से नहीं खिलेगी। इस कंडीशन में सबसे पहले आपको मशीन सेट करना आना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि दोनों साइड आपका इक्वल है कि नहीं है। इसके लिए आप दोनों साइड की पूरी को काट लेंगे और फिर पास में ला करके देखेंगे कि दोनों साइड बराबर है या फिर नहीं। और यदि बराबर रहता है तो उसी पर सेट कर देंगे और फिर बीच में बार बार चेक करते रहेंगे।
दोस्तों ये है मेन प्रोसेस, अब यहाँ से कोई भी गलती ना करना, क्योंकि यदि आप ठंड के मौसम में पूरी बना रहे हैं तो बराबर ध्यान तो देना ही पड़ेगा। नंबर पहला, जैसे ही आप गड्डी लगाते जाओ तुरंत उसको ढकते जाओ। नंबर दो, यदि हवा लगेगी तो पूरी खराब हो जाएगी, इस वजह से हवा नहीं लगने देंगे। नंबर तीन, जैसे ही काम खत्म हो जाता है तुरंत इसे प्लास्टिक से ढक देंगे और फिर भीगे कपड़े लगा करके छोड़ देंगे। और ध्यान रहे, यदि भीगे कपड़े लगा रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 भीगे कपड़े लगाएंगे, तभी तो आपका आटा सीमेगा। और फिर बाद में इस पर सूखे कपड़े रख देंगे ताकि इसमें जरा भी हवा ना जा सके। कभी कभी पूरी छोटे होने और खराब होने के पीछे भी बहुत रीजन है। पहला, यदि आपका स्टोन पाउडर या फिर अरारोट खराब है तभी भी आपकी पूरी खराब आने लगेगी। दूसरा, यदि हवा लग जाता है तो उस कंडीशन में भी आपकी पूरी खराब आने लगेगी। अब इसको ऐसे ही 4 से 5 घंटा तक छोड़ देंगे सिमने के लिए। दोस्तों इस समय बज रहे हैं सुबह के 6 और अभी हम पूरी को फ्राई करने के लिए तैयार हो चुके हैं। दोस्तों अब देख सकते हैं कि ये पूरी कैसी हो चुकी है। अभी हमारी पूरी लगता है कि तैयार हो चुका है, तो अब इसे हम तेल में फ्राई करेंगे। सबसे पहले और जरूरी बात, यदि आपका तेल हीट हो जाता है तो उसमें आप 10 से 15 पूरी को फ्राई करेंगे। यदि अच्छा आ रहा है तभी टोटल पूरी को फ्राई करेंगे, वरना छोड़ देंगे कुछ देर तक के लिए। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा तेल कितना हीट हो चुका है, और इस हिसाब से आप हीट कीजिएगा और फिर इसमें आप फ्राई कीजिएगा। यदि आपकी पूरी ऐसे ही आ रही है तभी तो लगातार फ्राई करेंगे, वरना छोड़ देंगे। लेकिन जरूरी बात ये कि हम पहचानेंगे कैसे कि हमारी पूरी खराब है या फिर सही है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो पहली बार काम करते हैं तो नहीं समझ पाते हैं कि पूरी अच्छी है या फिर खराब। देखो भाई, पूरी खराब है ये दो तरीके से पहचानेंगे। पहला, आपकी पूरी में चमक नहीं होगी। नंबर दो, आपकी पूरी की साइज नॉर्मल से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और छेद छेद आने लगेगी। इसके अतिरिक्त यदि आपको पूरी की कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही में इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। यदि कोई भी शिकायत करनी हो तो आप टेलीग्राम पे कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने कमेंट किया था कि एक थैले में कितनी पूरी होती है, तो आपके जानकारी के लिए बता दिया जाए कि एक थैले में 100 पूरी होती है। दोस्तों यदि आप भी हमारे जैसी पूरी बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि आने वाली वीडियो को आप कहीं खो ना दें, इस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो दोस्तों आपको तो पता चल ही गया होगा कि ठंडी के मौसम में भी हम कितनी बढ़िया पूरी बना ले रहे हैं। तो दोस्तों आज के दिन बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ।